अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है यार? ठीक ठाक, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है ना बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया है पिछली वीडियोस को, और मेरे तकरीबन 600 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहें और इंशाल्लाह मैं नई नई वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। अगर आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ फैमिली मेम्बर के साथ इसे शेयर करना। आज की वीडियो जो है ना बड़ी मज़े की होने वाली है और बड़ी यूज़फुल भी है। जो लोग इधर रहते हैं उन्हें तो पता होगा, और जो इधर नहीं रहते हैं उनके लिए बड़ी हैरानकुन बात होगी है कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ आज कि नॉर्वे में प्लास्टिक जो है और खाली बोतलें जो हैं वो उनका क्या किया जाता है। तो नॉर्वे एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो 97% अपनी जो है ना प्लास्टिक और खाली बोतलें और इसको रिसाइकल करता है, और किस तरह रिसाइकल करता है मैं आज आपको दिखाता हूँ। बड़े मज़े की वीडियो है, एंड तक देखना। मैं आपको थोड़ा सा जो है ना आइडिया देता हूँ। मेरे पास काफ़ी अरसे से, मेरा ख्याल है 2 महीने का स्टॉक जो है ना, 2 से भी ज़्यादा होगा, वो पड़ा हुआ है, जिसमें कोक की बोतलें हैं, पानी की बोतलें हैं, उसके बाद रेड बुल्स हैं, और जो है ना डिफरेंट किस्म की जो है ना ये चीज़ें हैं, खाली बोतलें हैं। और मैंने सोचा आज के आपको दिखाऊं कि इन खाली बोतलों से जो है ना किस तरह बंदा पैसे ले सकता है। इधर ये बड़ा अच्छा सिस्टम है कि खाली बोतलें जो है ना वापस दें, और इनके बदले या तो कोई चीज़ ले लें या उन पैसों को जो है ना डोनेट कर दें। तो ये देखें, मेरे पास ये बोतलें पड़ी थी, मैं आपको एक छोटा सा व्यू दिखाता हूँ इसका। हाँ जी, तो ये देखें जी, ये मेरे पास खाली बोतलें पड़ी थी, कोक की, रेड बुल, ये वो एनर्जी ड्रिंक, ये सारी पड़ी थी। ये तो थोड़ी सी मैंने निकाली हैं पिक्चर लेने के लिए, ज़रा थंबनेल बनाने के लिए, ज़रा चौकस मोल। और ये इसमें भी जो है ना ये पूरा शापर है, ये भरा हुआ है इन खाली बोतलों से। हाँ जी, तो अभी जो है ना चलते हैं, एक इधर शॉपिंग मॉल है, उसमें एक शॉप है। तकरीबन नॉर्वे में हर जो है ना मॉल में ये मशीन लगी होती है रिसाइकलिंग की। तो आज अभी उधर चलते हैं और उधर जाके ये देखते हैं किस तरह रिसाइकल होती है, और सारा प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा और दिखाऊंगा कि बड़े मज़े की वीडियो है। मैंने खुद ही पहले एक दफ़ा ट्राई किया है, अभी काफ़ी अरसे से जो है ना मैंने कोल्ड ड्रिंक भी छोड़ी थी, ये वो सारा कुछ, और ये जो है ना मेरे पास बहुत अरसा हो गया पड़ी हुई है। और अभी चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह प्रोसेस होता है। चलें जी। अभी तक जो है ना ड्राइवर वाली साइड पे इन्होंने पट्टियाँ लगाई हुई हैं कोरोना वायरस से बचने के लिए, अभी तक ऐसे ही है। इसके बाद जो है ना दो स्टाफ आएंगे, फिर आके जो है ना मैंने बाहर जाना है। हाँ जी, अभी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये कुछ दिन पहले ना मैंने आपको वीडियो दिखाई होगी इसी रोड की। तो ये देखें, लॉकडाउन अभी इधर ख़त्म हो गया और ये लोग जो है ना आना जाना जो है ना रौनकें शौनकें अभी दोबारा ठीक हो गई हैं। ये भी जो है स्टोर के अंदर आ गया हूँ, तो सीधा जो है ना उसी जगह पे चलते हैं।
ये है इधर के स्टोर। अच्छा जी ये है जी मशीन वो वाली, ये देखो ये। तो अभी जो है ना मैं करता हूँ स्टार्ट, मैं दिखाता हूँ आपको साथ साथ। इसी तरह बस मशीन में फेंक के जाना है। वेट टिश्यू भी इन्होंने रखे हैं, फिर ये सारा करके फारग हो के नीचे बास्केट है, बास्केट में बैठ गए। और ये देखो पर्ची भी निकल आई है, 93 क्रोन्स बने हैं। ये तकरीबन पाकिस्तानी जो है ना ये 1500 बनता है। अभी इन पैसों से करेंगे शॉपिंग, चीज़ें लेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना मैं भी साथ साथ ही आपकी। हाँ जी अभी यार इन चीज़ों से जो है ना खरीदेंगे, क्या खरीदें, दूध लेना है, दूध जो है ना डन। इसके बाद लेना है दही, ये जी दही। अंडे मेरे पास पड़े हैं, इधर से ब्रेड उठानी है मैंने एक। यार ये वीडियो बनाना और ये वो जो है ना बड़ा मुश्किल है, तो मैं एक सब दफ़ा सारा सामान समून लेके तो मैं बाहर जा के ना बात करता हूँ। हाँ जी ये जी सारा सामान इकट्ठा कर लिया मैंने, तो अभी जो है ना पे करना है, तो पे करके तो फिर आपको मिलता हूँ। हाँ जी तो यार पीछे करके मैं बाहर आ गया हूँ। और ये जो है ना चीज़ें मैंने ये हैं दो जापर, देखो अगर वो ही मैं फेंक देता कहीं पे तो वो ज़ाया होनी थी ना, तो यही ये बेहतर हाल यही है कि उसको ये मशीन में डालो और सारा काम खुद बखुद पर्ची निकल दिया भाई, सामान शमान लो और चीज़ें बनाओ, इन्जॉय करो। ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो इंशाल्लाह नई नई जो है ना वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। ओके जी अल्लाह हाफिज़।